Hello and welcome everyone to our channel Z2I Tutorials. I am Salman Ahmed and I did my M.Tech from IIT Dhanbad and I have more than 6 years of experience. चलो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज है लेक्चर नंबर 2 रियल नंबर्स का. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में. आज हम लोग उस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जितने भी क्वेश्चन होंगे हर सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जो भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा. चलो आज क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो आवर क्वेश्चन इज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 39 एंड 15 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग एचसीएफ निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी. वो कैसे निकालते हैं पहले उसको चेक कर लेते हैं. क्या करते हैं, 39 का अगर हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 13, देन ओके, देन 15 का प्राइम फैक्टर्स 3 5 15 एंड 5 1 5. ओके अब इसको हम लिख लेते हैं. 39 का क्या है हमारा फैक्टर्स, 3 × 13 एंड 15 3 × 5. ठीक है, दोनों के जो फैक्टर्स हैं इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3. सो द एचसीएफ विल बी एचसीएफ ऑफ 39, 15 इज 3. ये तो हमने निकाल लिया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो यूक्लिड्स डिवीजन से हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन से कि मेरा 3 आता है या नहीं आता है. लेट्स स्टार्ट. स्टेप क्या है हमारा, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, स्टेप मेथड से कैसे, पहला चीज विच वन इज ग्रेटर, 39, दैट मीन्स 39 विल बी डिवाइडेड बाई 15. हाउ, लेट्स सी, 15 टू द 39, देन अगेन जो हमारा हमने पढ़ा था कल यूक्लिड्स में कि जो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो मेरा डिवाइजर एचसीएफ हो जाएगा. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो मेरा डिवाइजर था वो अब बन जाएगा डिविडेंड, और जो मेरा रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर. नाउ लेट्स डिवाइड, 9 × 1 = 9 कितना आएगा, 6. देन अगेन रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया. मैंने बताया था कि जब भी जहां तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वहां तक इसको हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे. देन अगेन 9 बन जाएगा डिविडेंड, 6 × 1 = 6 इट इज 3. देन अगेन 6 विल बी डिवाइडेड बाय 3, 3 × 6 रिमाइंडर. नाउ रिमाइंडर बिकम 0, और मैंने बताया था कि जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का डिवाइजर जो होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाता है. तो इससे हमें मालूम चल गया कि जो हमारा एचसीएफ था वो 3 आ गया, एचसीएफ ऑफ 39 एंड 15. ये तो हो गया डिवाइड से. अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें एल्गोरिथम बनाना है. एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप हमें शो करना होता है. सबसे पहले 39 इज ग्रेटर देन 15, सो डिविडेंड विल बी 39 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू, क्वेश्चन क्या आया था मेरे पहले स्टेप में, 2, प्लस रिमाइंडर क्या था हमारे पहले स्टेप में, 9. फिर मैंने क्या बोला था कि जो हमारा डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर. सो सेकेंड स्टेप में जब हमने 15 को 9 से डिवाइड किया तो मेरा क्वेश्चन आया था 1 एंड द रिमाइंडर वॉज 6. ये एरो एग्जाम में बनाना तुम्हें नहीं है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ बस, यहाँ बना रहा है एरो, तुम्हें नहीं बनाना है. और नेक्स्ट, देन अगेन रिमाइंडर 0 नहीं है तो 9 चला आएगा डिविडेंड के पास, और जो हमारा रिमाइंडर था वो चला आएगा डिवाइजर के पास. इन द थर्ड स्टेप जब हमने 9 को 6 से डिवाइड किया तो मेरा आया क्वेश्चन 1 और हमारा रिमाइंडर आया था 3. अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन 6 विल बिकम डिविडेंड एंड 3 विल बिकम डिवाइजर. नाउ इन द लास्ट पार्ट, व्हेन 6 इज डिवाइडेड बाय 3 द क्वेश्चन इज 2 एंड द रिमाइंडर इज 0. इस स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, और मैंने बताया था कि जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही हमारा आंसर हो जाता है, दैट मींस कि हमारा वो एचसीएफ हो जाता है. सो देयरफॉर
HCF ऑफ 39 एंड 15 इज 3, जो कि हमारा आया था प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से भी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगर किसी का भी HCF निकालना होगा तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फाइंड द HCF ऑफ 1651 एंड 2032 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सेम प्रोसेस है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एग्जैक्टली सेम चीज है। क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इन दोनों में कौन सा बिगर है। 2032 इज ग्रेटर देन 1651, दैट मीन्स 2032 इज द डिविडेंड एंड 1651 इज द डिवाइजर। दैट मीन्स कि हमें इसे इससे डिवाइड करना होगा। पहले डिवाइड करके हम देखते हैं क्या हो रहा है। 1651 2032 कितने बार बन जाएगा, वन टाइम 1651 कितना आएगा, 183। अगेन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, तो अब मेरा बन जाएगा डिवाइजर 381 एंड बन जाएगा डिविडेंड 1651। अब कितने बार बन जाएगा, ये जाएगा अब 4 टाइम्स, 4 1 4 2 1 5 2 4। ओके, 11 माइनस 4 7, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 2 6 माइनस 5 1। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में 381 बन जाएगा डिविडेंड, और ये मेरे हिसाब से ओके तीन बार में मेरा ये कट जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। नाउ थर्ड स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 आया है, तो उस स्टेप में हमारा जो डिवाइजर होगा वो मेरा बन जाएगा HCF। ये हमारा HCF कहलाएगा। अब इसे हम लिखेंगे अपने एल्गोरिथम के फॉर्म में, कैसे, डिविडेंड इज 2032 इक्वल टू डिवाइजर 1651 इंटू क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 381। इन द नेक्स्ट स्टेप 1651 विल बिकम डिविडेंड, 381 विल बिकम डिवाइजर, क्वेश्चन वॉज 4 एंड रिमाइंडर वॉज 127। नाउ अगेन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देन 381 विल बिकम डिविडेंड, 127 विल बिकम डिवाइजर इंटू क्वेश्चन 3 एंड रिमाइंडर इज 0। तो हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा इस स्टेप में जो डिवाइजर की वैल्यू होगी वही हो जाएगी HCF। दैट मीन्स कि HCF ऑफ 1651 एंड 2032 इज 127। तो यही हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें और भी क्वेश्चन करना है, लेकिन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, वो आगे हम करेंगे, पहले तुम इसे नोट कर लो। लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल। ये क्वेश्चन जो है उससे कुछ डिफरेंट है, बट सेम कॉन्सेप्ट पे है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर ही है। यहाँ पर HCF नहीं निकालना है, यहाँ पर हमें चेक करना है। इसने क्या कहा कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 और 3m+2 फॉर सम इंटीजर m। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम इन तीनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट मेन चीज यहाँ पर क्या है वो देखो, 3 into m, 3 into m plus 1, 3 into m plus 2, यहाँ पर 3 है क्या? हम लोगों ने पढ़ा था a is equal to bq plus r। ये कह रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लिख सकते हैं, मतलब इस पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में, इन तीनों के फॉर्म में। इन फॉर्म कैसा बन रहा है इसका, 3 into m, तो 3 क्या बन गया, दैट मीन्स 3 इज हमारा डिवाइजर है। ठीक है, m इज क्वेश्चन, यहां पर प्लस क्या है 0, रिमाइंडर 0 यहां पर है, रिमाइंडर 1 यहां पर है, रिमाइंडर 2 यहां पर है। तो हमें चेक करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे वो इस फॉर्म में आएगा व्हेन द डिवाइजर इज 3। चेक करते हैं इसको, क्या करेंगे, इसका मतलब डिवाइजर हमारा 3 है। अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेट्स से लेट a बी एनी, लेट a बी एनी पॉजिटिव
इंटीजर। अब ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, हमारा डिवाइजर क्या है 3, क्वोशेंट क्या है हमारा, क्वोशेंट इज m, तीनों केस में देख लो क्वोशेंट 3 इंटू m हो रहा है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट होता है, तो m हमारा क्वोशेंट है, m इज क्वोशेंट, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर को हम एज्यूम कर लेते हैं r, एंड r इज रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम यहां पर यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या बोलता है ये, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट मीन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहां पर हमारा डिविडेंड क्या है, जो क्वेश्चन क्या है हमें, एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने क्या लिया था a, तो हम सो a विल बी द डिविडेंड, व्हाट इज डिवाइजर 3, क्वेश्चन m प्लस रिमाइंडर इज r, यहां पर रिमाइंडर हमारा चेंज हो रहा है वही हमें चेक करना है, इसलिए अभी हम एज्यूम कर लेंगे हमारा रिमाइंडर क्या है r है। अभी ये लेमा हमारा खत्म नहीं हुआ है, कंडीशन क्या होता है रिमाइंडर का, रिमाइंडर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, जो कि हमारा यहां पर क्या है 3। तो इस केस के हिसाब से मेरी रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के इक्वल मतलब 0 भी आएगा, 1, 2, 3 आएगा, 3 नहीं आएगा बिकॉज रिमाइंडर इज लेस देन 3, तो 0, 1 एंड 2, हमें 3 रिमाइंडर यहां पर मिल गया, ठीक है ना। अब वन बाई वन हम रिमाइंडर की वैल्यू अपने हम इस यूक्लिड्स डिवीजन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि मेरा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सो केस नंबर 1, व्हेन रिमाइंडर इज 0, नाउ लेट्स पुट रिमाइंडर इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, क्या मिलेगा, a इक्वल टू 3m प्लस 0, दैट मीन a इक्वल टू 3m, तो हमारा पहला प्रूफ हो गया कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर था वो 3m के टर्म में आ गया है, ठीक है। सेकेंड केस नंबर 2, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, अब रिमाइंडर इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे इक्वेशन में, क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3m प्लस 1, सही बात है, 3m प्लस 1 पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या लिख लिया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख लिया, आ गया। लास्ट केस नंबर 3, व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 2, जस्ट पुट r इक्वल टू 2 इन द गिवन इक्वेशन, क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3m प्लस 2, सो थर्ड केस में हमें क्या मिल गया, 3m प्लस 2 एक पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में, जो कि मेरा प्रूफ हो गया। सो वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m। ये कोई हमारा जो क्वेश्चन हमारा कोई एक इंटीजर ले लिया हमने, वो मैं क्वेश्चन दिया हुआ था, सिर्फ चेंज क्या किया, रिमाइंडर हमने वन बाई वन चेक किया और चेक किया कि मेरा वो इसके बराबर इसके फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, लास्ट लिख सकते हैं कि हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m। ये क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहां पर पॉजिटिव ऑड यहां पर लगा दिया उसने, ऑड इंटीजर, ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में सिर्फ इंटीजर था इसलिए सारा उसमें इंक्लूड आ गया था। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर m। ये तो यहां से क्लियर हो रहा है कि 4 इंटू m करेंगे तो हमारा इवन नंबर ही मिलेगा, और इवन नंबर में कोई भी एक नंबर 1 ऐड कर दोगे ऑड तो हमें ऑड मिलेगा, तो ये क्या बन गया, ऑड बन गया। सेम केस यहां पर भी है, अगर लिखा होता 4m प्लस 2 तो ये कभी ऑड नंबर आता, कभी ऑड नहीं आएगा, क्योंकि 4 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा इवन आएगा, और इवन नंबर में हम इवन ऐड कर देंगे तो हमेशा मेरा वो इवन आएगा, तो ये ऑड बनेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर 4m प्लस 2 नहीं है और 4m भी नहीं, उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। चलो प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट से हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए
बी एन ई पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, अब यहां पर डिवाइजर क्या है, 4 into m प्लस रिमाइंडर, याद करो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सो ये इस केस में हमारा डिवाइजर क्या है, 4, लास्ट केस में मेरा कितना था, 3 था, तो यहां पर मेरा आ गया डिवाइजर 4। ए इज डिविडेंड क्योंकि इसी को हम फॉर्म में लिखना है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन आएगा, तो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन इज m, सो m इज क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एस r एंड r इज रिमाइंडर। सेम केस फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखेंगे, क्या होगा, किसे लिखना है, a को, a इन द फॉर्म ऑफ 4m, 4 इज डिवाइजर, m इज क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज r। कंडीशन ऑफ रिमाइंडर यहां पर चेंज होगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन होता है डिवाइजर जो कि यहां पर मेरा 4 है। तो इस केस में r की वैल्यू क्या आएगी, 0, 1, 2 एंड 3, क्योंकि 4 से छोटा बोल रहा है, तो r की वैल्यू आएगी 0, 1, 2 एंड 3। अब हम लोग वन बाई वन इसको r को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि मेरा कौन सा केस ऑड का है और कौन सा केस इवन का है, इवन वाले केस को छोड़ देंगे, ऑड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। सो केस नंबर 1, when r equal to 0, अब हमारे गिवन इक्वेशन में r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, कितनी आएगी, a is equal to 4m plus 0, 4m। अब यहां देखो कि जो मेरा हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर था वो किस फॉर्म में आ गया, 4m, क्या ये फॉर्म बन रहा है, ये तो मैंने बोला कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, लेकिन ये क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 4 इंटू एम, तो 4 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो हमें हमेशा इवन नंबर ही आएगा, तो ये केस कौन सा हो गया, ये केस हो गया इवन नंबर वाला, तो ये हमारा नहीं आएगा, सही है, नहीं आ रहा है हमारा, मतलब करेक्ट है। केस नंबर 2, व्हेन आर इक्वल टू 1, नाउ पुट आर इक्वल टू 1 इन द गिवन इक्वेशन, ए इज इक्वल टू 4m प्लस 1। अब देखो 4 into m will be even number, even number में कोई भी odd number को add करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, odd number ही आएगा। So ये कौन सा केस बना, odd वाला केस, third केस, केस नंबर 3, when remainder is equal to 2, अब क्या आएगा, a equal to 4m plus 2, 4 into m, 4 into any integer will become even number, even number plus even number will be even number, इसका मतलब for r equal to 2 हमें even number मिलेगा, odd number नहीं मिलेगा। Now the last case is case number 4, when r equal to 3, just put r equal to 3 in the given equation, a equal to 4m plus 3, this is even and even plus odd is odd। तो चार केस में, दो केस में हमारा ऑड मिला है, एक तो केस नंबर 2 और एक केस नंबर 4। किस केस में, जब 4m plus 1 एक तो मिला हमें और एक 4m plus 3 मिला ऑड वाला केस। और क्वेश्चन हमने क्या पूछा था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m plus 1 और 4m plus 3, तो 4m plus 1 एंड 4m plus 3 केस में हमारा ऑड के फॉर्म में बन रहा है, इवन वाला केस तो होगा ही नहीं। तो नाउ वी कैन राइट, लास्टली वी कैन राइट एज कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4m plus 1 और 4m plus 3 फॉर एनी इंटीजर m, ठीक है, वो हमने प्रूफ भी कर लिया कि ये केस हमारा 4m plus 1 और 4m plus 3 के केस में ही सिर्फ वो ऑड का फॉर्म बन रहा है, बाकी दो के फॉर्म नहीं बन रहा है, तो मेरा वो प्रूफ हो गया, ठीक है, इजी है। अभी और भी क्वेश्चन देखेंगे तो बाकी समझ जाएंगे। सो अब एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन आया हमारे पास, वो क्या है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। अब यहाँ पर एक वर्ड जुड़ गया है, स्क्वायर, स्क्वायर किसका, किसी पॉजिटिव इंटीजर का, मतलब जो हम एज्यूम करते हैं a जो कि डिविडेंड होता है उसका स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी
एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को यहां पर अभी हम m नहीं लिखते हैं, डिवाइजर तो मेरा 3 है, अभी क्वेश्चन को m नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, आगे क्लियर होगा। एट लास्ट हमें जो आंसर चाहिए वो क्वेश्चन m में चाहिए। m इज एनी इंटीजर, m को हम किसी और के फॉर्म में लिखेंगे, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्लियर होगा। अभी फिलहाल ले लेते हैं q is quotient and r is remainder, okay? Dividend is a, that is positive integer, divisor is 3, quotient is q and remainder is r. क्यों लिए हमने q, अभी क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट, अब यूजिंग यहां क्या यूज करते हैं हम लोग, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कहीं पर भी यूज करेंगे तो वहां पर हम शो कर देंगे कि हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड क्या है मेरा यहां पर ए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 3 इंटू क्वेश्चन दैट इज क्यू इन प्लस रिमाइंडर दैट इज आर। एंड वॉट इज आर, हियर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस दैन 3, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ आर इज 0, 1 एंड 2, ओके। लेकिन यहां पर लिखा है ए, यहां पर ए सिंपल एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या कहा था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर होगा। स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर इधर क्या होगा, 3q प्लस आर द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ ए स्क्वायर, फॉर्म क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको ओपन कर लेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर दैट मीन्स 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी दैट मीन्स 6qr, ठीक है। अब ये हमारा स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर का, इस फॉर्म में आया। अब हम वन बाई वन चेक करेंगे मेरा सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है, मेरा 3m या 3m प्लस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केस नंबर 1, केस 1 व्हेन r इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, r की वैल्यू 0 उठाकर अपने हम स्क्वायर वाले टर्म में पुट करेंगे, यहां नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर पूछा है, r वाले टर्म में पुट कर दो इस वाले a स्क्वायर टर्म में। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर वैसे ही रहेगा, r 0 पुट किया ये गया, r 0 पुट किया ये भी खत्म, क्या बच गया 9q स्क्वायर। तो बोलो एक इशारा अभी तो मैच कर नहीं रहा है, क्या करेंगे हम, इसको हम इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो क्या हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, यस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 3q स्क्वायर हो सकता है ना, मल्टीप्लाई करो सेम आ जाएगा, हमने 3 को बाहर निकल दिया, ठीक है। अब देखो ये जो 3q स्क्वायर है ये भी तो कोई इंटीजर ही होगा, क्यों क्या होता है क्वेश्चन इज एन इंटीजर ए होल नंबर, तो ये पूरा क्या होगा इंटीजर। हम ये कह सकते हैं कि अगर इसे हम एज्यूम कर लें कि ये हमारा m है तो क्या बन जाएगा, 3m। यहां लिख लेंगे बगल में कि m की वैल्यू हमने क्या रखा है, सॉरी हाँ m की वैल्यू क्या रखा है हमने, 3q स्क्वायर, हमने 3q स्क्वायर को एज्यूम कर लिया, m इज एन इंटीजर, m इंटीजर है और 3 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू किस क्वेश्चन होगा, क्यू का मतलब होता है होल नंबर, जब सॉल्व करोगे एक इंटीजर ही तो आएगा, तो उसको हमने बोल दिया कि वो m के इक्वल है, तो 3 इंटू m 3 बन गया, इसका मतलब कि जब r मैंने 0 पुट किया तो मेरा 3m के इक्वल आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई मेरा हो रहा है। अब चेक करते हैं हम लोग केस नंबर 2 के लिए, केस सेकेंड के लिए क्या है, वेन आर इक्वल टू 1। अब r इक्वल टू 1 लेते हैं, r इक्वल टू 1 यहाँ पुट करते हैं हम लोग, मेन इंपॉर्टेंट यहीं पर है, क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस r इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 इंटू क्यू इंटू आर, तो 6 इंटू क्यू 6q और इंटू 1 6q। अब तो ये अजीब सा लग रहा है मुझे फॉर्म, लेकिन हम इसे इस फॉर्म में बनाएंगे, ये तो क्लियर हो गया कि यहां से 3m बन सकता है क्या, चेक करते हैं, या तो 3m बन जाए या तो 3m प्लस
वन बन जाए। ट्राई करते हैं, एक काम करते हैं, वन को हम इसको सिक्स क्यू के बाद लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू प्लस वन। ठीक है, अब एक चीज गौर करो यहां पर कि फर्स्ट इन दोनों टर्म से क्या हम थ्री बाहर कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, इन दोनों से क्या होगा, जब अगर थ्री लोगे तो यहां क्या बचेगा, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू में से थ्री बाहर लो, अंदर क्या बचेगा, टू क्यू। इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, और प्लस वन एक्स्ट्रा है, प्लस वन। अब ये बताओ कि अगर मेरा क्यू क्वेश्चन है, अंदर वाले जो ब्रैकेट में लिखा हमने, सॉल्व करने के बाद कोई इंटीजर ही तो आएगा, उसका एज्यूम कर लेते हैं वो एम है, और जब अगर एज्यूम कर लेंगे वो एम है तो क्या बन जाएगा, थ्री इंटू एम प्लस वन, जो कि मेरा वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा थ्री एम ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री एम प्लस वन। एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि m इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू। तो मेरा फॉर्म बन रहा है, यहाँ पर भी मेरा फॉर्म बन गया था। तो a स्क्वायर को हमने लिख लिया था पहला केस में 3m के टर्म में, सही है। दूसरे केस में जब हमने r इक्वल टू वन पुट किया तब भी a स्क्वायर को हमने 3m प्लस वन के टर्म में लिख लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी हमारा दो केस हुआ है, थर्ड केस भी चेक करेंगे। इसने कहा था कि जो भी आएगा स्क्वायर वो या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के टर्म में होगा, और किसी के टर्म में नहीं हो सकता है। तो एक तो 3m आ चुका है 0 केस में, और 1 के केस में 3m प्लस 1 मेरा आ चुका है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि इतनी बड़ी वैल्यू का हमने m क्यों ले लिया, m इज जस्ट एन इंटीजर, और इसको सॉल्व करोगे तो एक इंटीजर ही आएगा, तो इसको पूरे को हमने m एज्यूम कर लिया, तो 3 इंटू एम प्लस 1 मेरा फॉर्म हो गया। थर्ड केस हमारा है वो है r इक्वल टू, इसको रफ करते हैं अभी फिलहाल, थर्ड केस हमारा है, केस नंबर थर्ड, व्हेन r इक्वल टू टू, r टू पुट करते हैं, करो पुट, a स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर, इसको भी हटा दो, 9 क्यू स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू टू का स्क्वायर कितना होगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 इंटू क्यू इंटू टू, 6 टू जा 12 क्यू। अब यहाँ पर एक चीज गौर करो, यहाँ पर कहीं पर भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या 4 में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैसे, देखो 4 को अभी ले आते हैं, इस साइड में रखते हैं, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, 4 को लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस 1। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि पहले इन तीनों टर्म से हम 3 बाहर निकाल लेंगे, कुछ m बन जाएगा और प्लस 1 हो गया, फिर हमारा 3m प्लस 1 फॉर्म बिल्ड हो जाएगा। देख लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में 3 बाहर निकालो, क्या आएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, और ये 1 भी एक्स्ट्रा में है, प्लस 1, क्या बन रहा है, 3 इंटू, सॉल्व करने तो कुछ इंटीजर आएगा, लेट्स से m, 3 इंटू एम प्लस 1, क्या लिखेंगे इसको, 3m प्लस 1, और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। सो r इक्वल टू 0 केस में मेरा 3m आ गया था, r इक्वल टू 1 केस में मेरा 3m प्लस 1 आ गया था, और r इक्वल टू 2 केस में भी मेरा 3m प्लस 1 हमने फॉर्म कर लिया। तो तीनों केस में मेरा ये क्लियर हो गया कि जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, वेयर m इज एन एनी इंटीजर। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, सिंपल सा, अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हारा और क्लियर होता जाएगा, ठीक है।
स्क्वायर के लिए है, क्वेश्चन अभी क्यूब के लिए भी आ सकता है, सेम केस होगा, क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, आर के वाले पुट करेंगे और हम खुद बनाने की कोशिश करेंगे या तो 3m या तो 3m प्लस 1, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा फॉर्म, कुछ ना कुछ करके हम वो फॉर्म बनाएंगे। बस कंफ्यूज ये नहीं होना है कि इसको हमने m क्यों लिया, इसको हमने m वहाँ पर क्यों ले लिया था। बस सिंपल से समझ लो कि m एक सिंपल सा कोई भी एक इंटीजर था और ये सॉल्व करने के बाद वो इंटीजर ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो वो इंटीजर ही आना है, इसलिए इसको हमने m एज्यूम किया, इसलिए 3m प्लस 1 फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है। एट लास्ट वन मोर थिंग, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास का जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, सारा रिवाइज कर लेंगे और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, राइट कर देंगे, आपको वो नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।